गाइस वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्सी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन लीग का मैच चल रहा है सिडनी एफसी वर्सेस मैकार्थर के बीच, जो कि खेला जाएगा 3:15 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो सिडनी और मैकार्थर में हम लोग फेवर करेंगे सिडनी को। मैकार्थर टीम का भले ही ये नॉकआउट मैच हो, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में सिडनी को ये मैच जीतना चाहिए किसी भी हालात में। भाई अगर सिडनी नहीं जीतती है मैच, इसका मतलब है कि सिडनी में फिर दम नहीं है, क्योंकि सिडनी इतने अच्छे अच्छे मैचेस जीती है। लास्ट मैच में इन्होंने एक टीम को 7-1 से हराया था भाई, 7-1 के स्कोर से। फुटबॉल में भाई बहुत बड़ी बात है 7 गोल करना, और मैकार्थर टीम इतने खास गोल तो कर नहीं सकती, यहाँ तक कि रोक भी नहीं सकती। तो पूरा का पूरा फेवर यहाँ सिडनी को करना है आप लोगों ने, जो मर्जी रिजल्ट निकले, लेकिन 99% चांस यहाँ पर सिडनी के जीतने के हैं। मैकार्थर के तो गोल के चांसेस भी इतने कम हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं यहाँ पर लूँगा आर मैक को। आर मैक इज़ अ ग्रेट प्लेयर, पिछले मैच में पर्थ ग्लोरी के अगेंस्ट 2 गोल 1 असिस्ट करके अपनी फॉर्म दिखा दी भाई बंदे ने, और ऐसा लगा था कि हैट्रिक आएगी। 3 बार और भी गोल की ट्राई की थी, बट बेचारे नाकाम रहा, नहीं तो हैट्रिक में नाम होता और पॉइंट इसके आई थिंक 200 के नियर होते। इतना अच्छा खेला था ना प्रीवियस मैच, भाई क्या बोलूँ। उसके बाद रॉबर्टो गॉम्स प्रीवियस मैच में अनअवेलेबल था, तब भी 7 गोल हुए। तो आप समझदार हो कि इनके स्ट्राइकिंग के अंदर एक प्लेयर है जेडन ने उस मैच में सिंगल असिस्ट की थी। किसकी जगह पर ये आया था रॉबर्टो गॉम्स की जगह। बट मैं चाहता हूँ आज गॉम्स के लिए, क्योंकि पी वुड और जेडन हर मैच में नहीं चलते, तो अभी आप गॉम्स को सेव करके रखिए। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में ड्यू आजकल बड़ा एग्जिस्टेंस में है, लेकिन मैं जर्मेन को लूँगा बिकॉज वो पेनल्टी टेकर है। कल को मान लो ड्यू गोल भी कर भी गया तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, और अगर बाई चांस पेनल्टी आ गई मैकार्थर की और जर्मेन भी कर गया तो हम तो बराबर हो गए, हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। और पेनल्टी पर गोल करना कितना ईजी है, और जबकि ड्रू का गोल आना ना आना कोई जानता ही नहीं है इस बारे में, इसलिए मैं तो जर्मेन के साथ सेफ जाऊंगा। और मिडफील्डिंग की बात करूं, उलाइसिस डेविला, ठीक है, यूलाइसिस डेविला के बाद जे हॉलमैन करके एक प्लेयर है, ये खेल नहीं रहा बहुत दिनों से, ये खेलता तो एक अलग लेवल का मज़ा आता, लेकिन अब उसकी जगह पर लिविस और आर बॉर्जिस में से लोग एक प्लेयर फाइंड करते हैं, तो मैं लिविस के साथ हूँ। एंड आगे बात करें तो जे लॉले ने पिछले मैच के अंदर भाई किया 2 गोल 1 असिस्ट, इसके तो 6 ट्राई हुए थे भाई गोल के, मतलब देखा जाए तो इसकी हैट्रिक भी आ सकती थी यार, 2 हैट्रिक मिस हुई है पिछले मैच में। एंड कैकरस की बात करें, कैकरस ने तो अनप्रेडिक्टेबली इतने पॉइंट दे दिए कि मैं सोच भी नहीं सकता था, 111 पॉइंट देखकर मैं हैरान हो गया था। तो कैकरस इज़ अमेजिंग। और ब्रैटन हो गया, बाकी पूरी टीम ही चली थी, अब किन किन को लोगे भाई। अब ब्रैटन को लोगे तो फिर आपको ये छोड़ना पड़ेगा रॉबर्टो गॉम्स को छोड़ोगे तो आप कुचार्स्की लोगे या फिर आप ब्रेटन लोगे, या आप पे डिपेंड करता है और लाइनअप्स पे, क्योंकि लाइनअप से पहले किसी को निकाल नहीं सकते हम। एंड बात करें डिफेंडिंग की, भाई जे कॉटनी का भी गोल आया था ना पिछले मैच में, हाँ जे कॉटनी, जॉर्डन कॉटनी, अमेजिंग प्लेयर। उसके बाद आर ग्रैंट को भी लेंगे, और जे गेटवुड बहुत दिनों से अनअवेलेबल था पिछले मैच में वापसी की, बट वापसी करते करते डिसेंट सा गेम प्ले दे गया, उम्मीद अच्छी थी मुझे ज़्यादा करने की, बट कुछ नॉर्मली खेला, क्योंकि 4 डिफेंडिंग में इनका एक और प्लेयर भी था, गैब्रियल भी नहीं खेला है, पता नहीं कौन सा प्लेयर था इनका, आई थिंक जे किंग उस मैच में गोल कर गया था। तो जरा ना ये आप ध्यान रखना, जे किंग उस मैच में सब्स्टिट्यूट आया था 20 मिनट के लिए। जो बंदा 20 मिनट में गोल कर सकता है, वो 90 मिनट में भाई साहब सामने वाले की गेम हिला सकता है, तो इस पर जरा नज़र रखना, अगर ये खेले तो ज़रूर लेना, किसके बदले, ठीक है। एंड बात करें गोल कीपिंग, एफ कूर्तो बहुत पुराना प्लेयर, इवन इसकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है टीम के पास, ये जिस मैच में इंजर्ड हो जाए भगवान ना करे तो बड़ी दिक्कत आ जाती है इनको, इसलिए अच्छा खेले। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है जे लॉले, वाइस कैप्टन आर मैक। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।